ई रिक्शा चालकों के परिवार भुखमरी की कगार पर लोकतंत्र बचाओ मोर्चे ने मंडला आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया। मुरादाबाद लोकतंत्र बचाओ मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मांग को लेकर मंडला आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब से रिक्शा के स्थान पर ई रिक्शा आई हैं, इनकी खरीदो फरोख्त कच्चे बिल पर है। मोर्चा आंदोलन कर रहा है कि और ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन नगर निगम में चाहता है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के आदेश पर रिक्शाएं जमा कराई गई हैं। मुरादाबाद के आरटीओ नई ई रिक्शा मालिक से हमसाज हो चुके हैं। 300 रिक्शाएं गलत ढंग से सीज की गई हैं। ई रिक्शा समाज आपकी दया चाहता है। इनके चूल्हे ठंडे पड़े हैं तथा बच्चे भूखे मर रहे हैं। आरटीओ का ये नोटिस देना कि इन गाड़ियों के विक्रेता मान्यता प्राप्त कंपनी नहीं थी क्या? जिन कंपनियों ने ये नई ई रिक्शा बेची है उनके खिलाफ प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई? आरटीओ द्वारा जारी सीज वाहन को वाहन स्वामी के सुपुर्द किए जाने की मांग को लेकर मोर्चे ने मंडला आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ताओं में संस्थापक हाजी मोहम्मद इकबाल, ओंकार सिंह, महावीर प्रसाद मौर्य, चंद्रपाल नौशाद, पुष्पा देवी, ताहिर हुसैन सहित आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुरादाबाद से मनोज सैनी की रिपोर्ट। के संबंध में यहाँ ई रिक्शा चालक के खिलाफ एक बोर्ड की बैठक में इन्होंने निर्णय लिया था कि ई रिक्शा रोड पर नहीं चलेगी। कमिश्नर साहब को गाइड किया था आरटीओ और अन्य विभाग के लोगों ने। जब कमिश्नर साहब से इसमें वार्ता हुई तो उन्होंने वक्त को पहचाना, उस आदेश को वापस लिया। आज ई रिक्शा चालक को जो नोटिस दिया है आरटीओ ने, उसके अधिकार सीमा का निर्णय था। इस सिलसिले में हमारी आज वार्ता कमिश्नर साहब से थी और उस सिलसिले में वार्ता करके हम लोग बाहर निकले हैं और हमारी वार्ता का लक्ष्य यह है कि हम नगर निगम से रजिस्ट्रेशन चाहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो हमारी गाड़ी ली थी वो नगर निगम में ली थी और वहीं नगर निगम में हमें ई रिक्शा दी थी। आरटीओ का कहना है जिन कंपनियों ने ये गाड़ियाँ बेची हैं मानक के आधार पर लीगल नहीं है, तो ये जिम्मेदारी प्रशासन की आरटीओ की नहीं है। यदि वो कंपनियाँ, क्योंकि वो कंपनियाँ चाइना की थी और चाइना की कंपनियों ने पूरी दुनिया के अंदर इसमें सामाजिक क्रांति लाकर खड़ी की और ये किसी भी भारत की कोई भी कंपनी इसमें मान्यता प्राप्त नहीं है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर कहलाता है। एग्रीकल्चर जो होता है कोई मान्यता प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि इसको रेडीमेड कहीं से शीट आ गई, कहीं से कुछ आ गया। आज जो आरटीओ यहाँ मुराद के अंदर चार कंपनियाँ जो बेच रही हैं, जिसकी रिक्शा की कीमत 1,90,000 रुपये है और हमारी जो रिक्शा है उसकी कीमत 35,000 रुपये है, तो 35,000 की जो रिक्शा है वो आम गरीब आदमी के जीवन के हद तक और रोजी रोटी के लिए हथियार हो सकता है। 1,90,000 की जो गाड़ी है वो हम उसके लेने के मूड में नहीं है और उसके अंदर जो है आरटीओ जो है बड़ा कमीशन उस कंपनियों के उनके पास मौजूद है, इसका हमने आज विरोध करते हुए नोटिस दिया। और अगली रणनीति यदि ये सिलसिला चले रहा तो फिर आर पार का आंदोलन का आगाज हो जाएगा, क्योंकि हमने सारे अधिकारियों को कानूनी तौर से नोटिस के रूप में बांध दिया है।